आज के पाठ का विषय है तुलनात्मक साहित्य की अवधारणा। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप तुलनात्मक साहित्य के अर्थ और इसकी सामान्य अवधारणा को जान सकेंगे। तुलनात्मक साहित्य की परिभाषाओं से परिचित होकर उसके स्वरूप को समझ सकेंगे। तुलनात्मक साहित्य के प्रमुख पश्चिमी स्कूलों या संप्रदायों और उनकी विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तुलनात्मक साहित्य के भारतीय परिप्रेक्ष्य से परिचित हो सकेंगे और तुलनात्मक साहित्य और अनुवाद के संबंध को समझ सकेंगे। 18वीं सदी के आगमन के बाद साहित्य पद के अर्थग्रहण में परिवर्तन आया। इसको परंपरागत साहित्य के अध्ययन के स्थान पर किसी राष्ट्र या क्षेत्र में कालखंड विशेष में हुए लेखन के संदर्भ में ग्रहण किया जाने लगा। 19वीं सदी के मध्य में पश्चिम में विश्व के निवर्तमान साहित्य के अध्ययन के लिए ऐसी अध्ययन पद्धति की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी जो किसी राष्ट्र राज्य की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक दशाओं के अध्ययन में सहायक हो तथा जो यह बता सके कि किसी राष्ट्र का साहित्य किसी दूसरे राष्ट्र के साहित्य की तुलना में कितना संपन्न है। इन्हीं समाज, सांस्कृतिक और राजनैतिक दशाओं के अध्ययन के लिए नवीन ज्ञानानुशासन के रूप में तुलनात्मक साहित्य का उद्भव हुआ। इस नवीन ज्ञानानुशासन पर भिन्न प्रकार के कई प्रश्न भी खड़े किए गए, फिर भी तत्कालीन विद्वानों ने तुलनात्मक साहित्य पर बड़ी गंभीरता से चर्चाएं व परिचर्चाएं कीं। ऐसा नहीं है कि यह केवल पश्चिम में घटित हो रहा था, भारत में भी तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में अनेक परिचर्चाएं चल रही थीं और यहाँ के विद्वान अपनी अलग अलग दृष्टि विकसित करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बावजूद यह कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित अधिकांश चर्चाएं रविंद्रनाथ आदि कुछ एक को छोड़कर पश्चिम से प्रभावित रहीं। आगे चलकर तमाम बाधाओं के बावजूद पश्चिम की भांति तुलनात्मक साहित्य चिंतन का एक भारतीय परिप्रेक्ष्य भी निर्मित हुआ। तुलनात्मक साहित्य एक से अधिक भाषाओं में रचित साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन है जिसके केंद्र में तुलना मुख्य कारक है। तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन से आशय है भाषाई और राजनैतिक सीमा से परे विभिन्न कालखंडों में अलग अलग देशों में विविध भाषाओं में भिन्न भिन्न विधाओं में रचे गए साहित्य का अध्ययन। इसके अध्ययन से अध्येता अलग अलग देशों की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक संरचना को साहित्य के माध्यम से जानने व समझने का प्रयास करता है। इसके साथ ही वह यह भी समझने की कोशिश करता है कि किसी विशेष प्रभाव की अभिव्यक्ति किसी भाषा के साहित्य में कब हुई, किस रूप में हुई, उस अभिव्यक्ति के प्रति समाज का दृष्टिकोण कैसा रहा और अन्य साहित्य में वही अभिव्यक्ति किस रूप में भिन्न है। उदाहरण के लिए हिंदी और अंग्रेजी साहित्य की उपन्यास विधा में डर और तनाव की अभिव्यक्ति कब और किस रूप में हुई, लेखकों द्वारा इसे किस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया गया, इसकी अभिव्यक्ति का एक दूसरे से कैसा अंतर संबंध है, यह समाज को किस प्रकार शिक्षित करता है या समाज की वर्तमान दशाओं को कैसे प्रभावित करता है आदि तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही यह भी जानना आवश्यक है कि तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन के लिए दो भाषाओं के साहित्य या दो अलग अलग राष्ट्र राज्यों के साहित्य का होना अनिवार्य माना जाता है। तुलनात्मक साहित्य के अध्येता को न केवल तुलनीय तुल्यों की तुलना करनी होती है बल्कि उसे तुलनीय तुल्यों के अंतर संबंधों को भी समझना होता है। तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन से अध्येता एक ओर जहां तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक दशाओं से परिचित होता है, वहीं वह यह भी समझने लगता है कि एक भाषा का साहित्य किसी दूसरी भाषा के साहित्य से कितना आगे या
पीछे है। इसके साथ ही तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन के लिए तुल्यों के मध्य स्वस्थ संबंध होना अनिवार्य है। स्वस्थ संबंध नहीं होने पर उसे तुलनात्मक अध्ययन में शामिल नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, दीर्घकाल तक विद्वानों के बीच यह धारणा रही है कि ग्रीक साहित्य को तुल्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ग्रीक स्वयं को सर्वश्रेष्ठ व सर्वाधिक सभ्य मानते हैं और अन्य को कमतर या असभ्य। तुलनात्मक साहित्य अंग्रेजी के कंपैरेटिव लिटरेचर पद का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी में एक संयुक्त पद के रूप में कंपैरेटिव लिटरेचर मैथ्यू अर्नाल्ड के 1848 के एक आलेख में प्रयुक्त हुआ था, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि इंग्लैंड की साहित्यिक स्थिति महाद्वीपीय अर्थात यूरोपीय मानकों से बहुत पीछे है। ऐसा नहीं है कि कंपैरेटिव पद पहली बार अर्नाल्ड के द्वारा प्रयुक्त किया गया था, बल्कि इसका उल्लेख मध्यकाल से होता रहा है। माना जाता है कि शेक्सपियर भी हेनरी चतुर्थ में कहते हैं कि द मोस्ट कंपैरेटिव रास्कलिस्ट स्वीट यंग प्रिंस। तत्कालीन समय में इसे सीमित अर्थों में ग्रहण करते हुए केवल सामान्य तुलना के अर्थ में लिया जाता था। ध्यातव्य है कि अब तुलनात्मक साहित्य को तुलना के सामान्य अर्थ के परे अंतर संबंधों के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। तुलनात्मक साहित्य के इन्हीं अंतर संबंधों के अध्ययन पर 1907 में रविंद्रनाथ ने बल दिया था और इसे विश्व साहित्य के रूप में देखने का आग्रह किया था। तुलनात्मक साहित्य को समग्रता में समझने के लिए कुछ परिभाषाएं हमारी सहायता कर सकती हैं। जैसे रेनेवेलेक की मान्यता है कि तुलनात्मक साहित्य साहित्य के समग्र रूप का अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करता है, जिसके मूल में यह भावना निहित रहती है कि साहित्य सृजन और आस्वादन की चेतना जातीय एवं राजनैतिक भौगोलिक सीमाओं से मुक्त एकरस और अखंड होती है। रीमार्क मानते हैं कि तुलनात्मक साहित्य एक राष्ट्र की साहित्य की परिधि से परे दूसरे राष्ट्र के साहित्य के साथ तुलनात्मक अध्ययन है। यह अध्ययन कला, इतिहास, समाज विज्ञान, धर्मशास्त्र आदि ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के आपसी संबंधों का भी अध्ययन है। पासनेट इस विषय में कहते हैं कि साहित्यिक विकास के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन निश्चय ही तुलनात्मक साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है। डॉक्टर नगेंद्र भी स्वीकार करते हैं कि तुलनात्मक साहित्य एक प्रकार का अंतर साहित्यिक अध्ययन है, जो अनेक भाषाओं को आधार मानकर चलता है और जिसका उद्देश्य होता है अनेकता में एकता का संधान। पश्चिम में बहुत से विद्वान तुलनात्मक अध्ययन को आवश्यक मानते हैं, लेकिन वे अध्ययन की विषय वस्तु तथा अध्ययन पद्धति में भेद करते हैं। इन विद्वानों के मतों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन की विषय वस्तु पर जोर देने और उसे स्थापित करने के लिए विभिन्न संप्रदायों की स्थापना हुई, जिन्हें तुलनात्मक अध्ययन के स्कूल भी कहा जाता है। इस कक्षा में हम इन संप्रदायों के बारे में सामान्य चर्चा करेंगे। इन संप्रदायों में पहला संप्रदाय है जर्मन संप्रदाय। तुलनात्मक साहित्य के जर्मन संप्रदाय या स्कूल की स्थापना 19वीं सदी के अंतिम भाग में हुई। यह संप्रदाय फ्री यूनिवर्सिटी बर्लिन के प्राध्यापक पीटर जोंडी के विचारों से प्रेरित था। जोंडी तुलनात्मक साहित्य को बढ़ावा देने के लिए अपने विचारों से साम्यता रखने वाले पश्चिम के विभिन्न विद्वानों को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करते थे। इस आयोजन को प्रोग्रामेटिक नेटवर्क की संज्ञा दी गई। यह संप्रदाय रूस के पूर्वी यूरोपीय साहित्यिक सिद्धांतकारों तथा संरचनावाद के प्राग संप्रदाय द्वारा सर्वाधिक प्रभावित रहा। तुलनात्मक साहित्य के जर्मन संप्रदाय से प्रभावित होकर
जर्मन में 31 तुलनात्मक विभागों की स्थापना की गई। इन विभागों द्वारा परंपरागत भाषा शास्त्र के साथ साथ विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए व्यावसायिक कार्यक्रमों को अध्ययन में शामिल किया गया। पश्चिम के संप्रदायों में अगला संप्रदाय फ्रांसीसी संप्रदाय है। इसकी स्थापना 20वीं सदी के प्रारंभ में हुई। इसमें अध्ययन के लिए आनुभविक और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया। इसमें विषय वस्तु अध्ययन के केंद्र में उत्पत्ति और प्रभाव थे। अध्ययन के लिए साहित्य इतिहास को तुलनात्मक साहित्य का हिस्सा मानते हुए ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति को आधार बनाया गया, जो यह जानने का प्रयास करता था कि कोई एक विचार समय के साथ कैसे विभिन्न देशों में पहुंचा। अगला संप्रदाय है अमेरिकी स्कूल। अमेरिकी संप्रदाय फ्रांसीसी संप्रदाय की प्रतिक्रिया के रूप में अस्तित्व में आया। इसने साहित्य को अपने अध्ययन का हिस्सा बनाया और सीधे साहित्यिक आलोचना से प्रेरित होते हुए सौंदर्य शास्त्र को अध्ययन पद्धति के रूप में अपनाया। इस संप्रदाय ने गोदे के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के स्वप्न को साकार करने का प्रयास किया। अगला संप्रदाय रूसी स्कूल है। इस संप्रदाय की मूल मान्यता है कि तुलनात्मक साहित्य एक सार्वभौमिक साहित्यिक संवृत्ति का सार है, जो विभिन्न देशों के जनसमूह के सामाजिक जीवन के ऐतिहासिक विकास तथा पारस्परिक सांस्कृतिक व साहित्यिक विनिमय पर आधारित है। इस मान्यता का पालन करते हुए तुलनात्मक साहित्य में एक सार्वभौमिक साहित्यिक संवृत्ति का अध्ययन करने के लिए साहित्यिक विधाओं या आंदोलनों का सहारा लिया जाता है तथा सामाजिक जीवन के ऐतिहासिक विकास क्रम के परिप्रेक्ष्य में सांस्कृतिक प्रभावों का विवेचन किया जाता है। भारत के बहुभाषी व बहुसांस्कृतिक राष्ट्र होने के कारण भारतीय साहित्य अपनी प्रकृति में तुलनात्मक है। इसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी, मराठी, बांग्ला के साहित्य का अध्ययन व साहित्यकारों का अध्ययन मिले जुले रूप में किया जाता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय बोलियों में रचे साहित्य का भी अध्ययन भाषा के साथ ही किया जाता है। इसलिए भारतीय साहित्य विभिन्न भाषाओं और बोलियों में रचे अपने साहित्य के साथ बहुत ही समृद्ध व प्रकृति से तुलनात्मक है। फिर भी साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर सबसे पहले 1907 में रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा विश्व साहित्य के रूप में बल दिया गया। रविंद्रनाथ मानते थे कि पृथ्वी विभिन्न टुकड़ों में बटी हुई लोगों के रहने का अलग अलग स्थान नहीं है, उनका साहित्य अलग अलग रचित साहित्य नहीं है। भारत में एक नए ज्ञान अनुशासन के रूप में तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार 1956 में जादवपुर विश्वविद्यालय में तुलनात्मक साहित्य विभाग की स्थापना की गई। भारत में इसके संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए कंपैरेटिव लिटरेचर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया, जिसने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया। जादवपुर विश्वविद्यालय के तुलनात्मक साहित्य विभाग का उद्देश्य बांग्ला साहित्य के साथ यूरोपीय साहित्य की तुलना करना था। कालांतर में विशेष रूप से उत्तर आधुनिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर इसने भारतीय भाषाओं के साहित्य के अनुवादों के माध्यम से पाठ्यक्रम को नया रूप दिया गया। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास का उच्च शिक्षा और शोध संस्थान पहला ऐसा शिक्षण केंद्र था जिसने एमए हिंदी के पाठ्यक्रम में एक स्वतंत्र प्रश्न पत्र के रूप में तुलनात्मक साहित्य को स्थान दिया। इसके पश्चात मणिपुर विश्वविद्यालय इम्फाल के हिंदी विभाग ने अपने एमए पाठ्यक्रम में तुलनात्मक साहित्य का प्रश्न पत्र लागू किया। इसमें हिंदी और मणिपुरी भाषाओं के साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर विशेष बल दिया गया। हिंदी में तुलनात्मक साहित्य को स्थापित करने
उसे बढ़ावा देने और तुलनात्मक साहित्य संबंधी शोध के लिए एक स्वतंत्र विषय के रूप में पहली बार महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में साहित्य विद्यापीठ के अंतर्गत 2006 में एमए हिंदी तुलनात्मक साहित्य पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। भारत एक बहुभाषी देश है, यहाँ न केवल 1652 मातृभाषाएँ हैं अपितु अनेक समुन्नत साहित्यिक भाषाएँ भी हैं। जिस प्रकार अनेक वर्षों के आपसी संपर्क और सामाजिक द्विभाषिकता के कारण भारतीय भाषाएं अपनी रूप रचना में भिन्न होते हुए भी समाजार्थिक संरचना में समरूप हैं, उसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि अपने जातीय इतिहास, सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक मूल्य एवं साहित्यिक संवेदना के संदर्भ में भारतीय साहित्य एक है। भारतीय साहित्य और संस्कृति की संकल्पना के मूल में भारतीय संस्कृति की आधारभूत एकता और वैशिष्ट्य की पहचान की छटपटाहट है। इस पहचान के लिए जो प्रयास होना चाहिए था, उसके लिए साहित्यिक अध्ययन का जो तुलनात्मक आधार मिलना चाहिए था और तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन के जिन संदर्भों, प्रणालियों और तकनीक का विकास होना चाहिए था, वह दिखलाई नहीं पड़ता। भारत में आज भी बहुत कम विश्वविद्यालय हैं जहां तुलनात्मक साहित्य की संकल्पना एक अनुशासन और स्वतंत्र अध्ययन विधा के रूप में स्वीकार्य है। तुलनात्मक साहित्य का अध्ययन आधुनिक काल की आवश्यकता है। तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन से लेखकों के विचारों का कई भाषाओं में आदान प्रदान होता है, जिससे सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं भावनात्मक एकता को बढ़ावा मिलता है। तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन की विभिन्न प्रविधियों के माध्यम से पता चलता है कि इतिहास, सामाजिक परिप्रेक्ष्य तथा कला आधारित दृष्टि से विभिन्न देशों की भाषाओं के अध्ययन द्वारा विश्व के साहित्यों के अध्ययन में व्यापकता आती है। बहुसांस्कृतिकवाद को बढ़ावा मिलने के कारण यह अनुभव किया जाने लगा कि बहुसंस्कृतिवाद और सांस्कृतिक अध्ययन के लिए विभिन्न भाषाओं के साहित्य के अनुवाद की आवश्यकता है। इससे अनुवाद और तुलनात्मक साहित्य के अंतर संबंधों की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित हुआ। इसका अध्ययन व ज्ञान वर्तमान समय की आवश्यकता है। यह उल्लेखनीय है कि अनेक विद्वानों ने अनुवाद कार्य को साहित्य के अध्ययन के लिए आवश्यक माना है। इस विचार को भी पर्याप्त समर्थन मिला है कि अनुवाद के माध्यम से एक देश में रहने वाले दूसरे देश की कला और जीवन दृष्टि से परिचित होते हैं। कोई एक भाषाभाषी वर्ग अर्थ और अभिव्यक्ति के नए प्रयोगों से परिचित होकर अपने ज्ञान के क्षितिज का विस्तार कर पाता है। अनुवाद अध्येता को अपरिचित भाषा के साहित्य तक ले जाने और उससे परिचित कराने व उसके रसास्वादन में सेतु का कार्य करता है। इस पाठ के अध्ययन से आपने जाना कि तुलनात्मक साहित्य विश्व की विभिन्न भाषाओं में रचे गए साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन है। इसके केंद्र में तुलना मुख्य है, किंतु यह तुलना से परे अंतर संबंधों का अध्ययन है। इसकी सहायता से अध्येता अलग अलग देशों के समाज तथा सांस्कृतिक व राजनीतिक पहलुओं को समझने का प्रयास करता है। भारत में तुलनात्मक अध्ययन के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को है। उन्होंने 1907 में तुलनात्मक साहित्य को विश्व साहित्य मानने पर बल दिया था। पश्चिम में तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित चार प्रमुख संप्रदाय माने जाते हैं, जिन्हें तुलनात्मक अध्ययन के स्कूल भी कहा जाता है। ये हैं जर्मन, फ्रांसीसी, अमेरिकी और रूसी संप्रदाय। भारत के बहुभाषी वह बहुसांस्कृतिक राष्ट्र होने के कारण भारतीय साहित्य अपनी प्रकृति में तुलनात्मक है। इसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी, मराठी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, असमिया, मणिपुरी,
पंजाबी, काश्मीरी, उर्दू आदि के साहित्य और साहित्यकारों का अध्ययन मिले जुले रूप में किया जाता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं में रचे गए साहित्य का अध्ययन भी भाषा के साथ ही किया जाता है। इसलिए भारतीय साहित्य विभिन्न भाषाओं और बोलियों में रचे गए अपने साहित्य के साथ बहुत समृद्ध और प्रकृति में तुलनात्मक है। बहुसांस्कृतिक वाद को बढ़ावा मिलने और तुलनात्मक साहित्य के अंतर्गत विभिन्न भाषाओं के साहित्य का अध्ययन होने के कारण अनुवाद की महत्ता बढ़ी है। उसे तुलनात्मक साहित्य के एक अध्ययन उपकरण के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है।